हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ बिल्कुल अच्छे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो पूनम मिश्रा रेसिपीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे आज देख सकते हैं हम कई तरह की सब्जी लिए हैं। यहाँ पे देखिए, गाजर है, नींबू है दो, हरी मिर्च है, अदरक है, मूली है और थोड़ी सी मटर है। तो आज हम इसका आपको चटपटा अचार बनाना बताएंगे जो हमें ढाबे पर मिलता है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम कढ़ाई रख दिए थे, उसमें हम 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डाल दिए हैं और तेल हमारा बिल्कुल अच्छे से देखिए गर्म हो गया है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। इसके बाद हम इसमें देखिए 1/2 चम्मच के करीब हींग डाल देंगे इस तरह से। इसके बाद हम इसमें 5 फोड़न डालेंगे, ये 1 चम्मच मेथी है, 1 चम्मच अजवाइन है और 1 चम्मच राई है, ये कलौंजी है। हमें कुछ भी पीसना नहीं है, सब साबुत ही रखना है। और ये सौंफ है। अब इसे हम ऐसे ही चटका देंगे चला के थोड़ा सा। गैस को हम अभी बंद रखे हैं। चलिए, अब गैस को हम यहाँ पे देखिए ऑन कर दिए हैं और आँच को बिल्कुल स्लो ही रखे हैं। और मसाला देखिए, जो हम 5 फोड़न डाले थे भुन गया है वो हमारा। तो अब हम इसमें एक एक सब्जी को डाल देंगे। पहले हम गाजर को डाल देंगे, इसे धुल कर अच्छे से और पोंछ लिए हैं, इसके पानी को हम सुखा लिए हैं। तो अब हम इसे डाल देते हैं इस तरह से। अब हरी मिर्च को डाल देंगे, अदरक देखिए बिल्कुल पतली पतली कटी है, और उसी तरह से हम मूली को भी काटे हैं और नींबू भी हम देखिए 1 में 4 कर दिए हैं। और इसके ऊपर से हम मटर डाल देंगे। आज का ये अचार बिल्कुल हलवाइयों वाला है जो हमें ढाबे पे मिलता है। खाना के साथ या छोला भटूरा या कुछ भी आप नाश्ता करिए तो तुरंत वाला अचार है ये। देखिए, देखने में कितना अच्छा लगने लगा मिक्स होने के बाद। देखिए, मस्त सब्जी हमारी, मूली मटर गाजर सभी हमारे हल्के से भून गए हैं। तो आँच को हम स्लो ही रखे हैं। इसमें हम थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये कलर वाली मिर्ची है, और यहाँ पे हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, और 1/2 चम्मच ये काला नमक है। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे कलर के लिए। अब यहाँ पे देखिए, ये पीसी हुई सरसों है काली वाली। अब हम इसमें देखिए पीसी हुई सरसों डालकर इसके बाद हम सभी को मिक्स कर देंगे अचार में, अच्छे से सारे मसाले लग जाएँ। ताकि देखिए इस तरह से सभी को मिक्स कर दीजिए। अब अचार को आपको खट्टा मीठा बनाना है तो यहाँ पे देखिए 1 चम्मच और 1/2 चम्मच हम इसमें शक्कर डाल रहे हैं। अगर आपको पसंद है तो ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही टेस्टी हो जाएगा अचार आपका, और इससे अचार आपका लंबे समय तक चलेगा भी। इस तरह से आप इसे मिक्स कर दीजिए और 1 से 2 मिनट और हम इसे चलाएँगे। चलिए, अब अचार से देखिए बिल्कुल अच्छे से चारों तरफ से तेल छूट रहा है। तो अब अचार हमारा रेडी हो गया। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखिए अचार बनकर रेडी हो गया और इसे हम सर्व कर दिए। और देखिए, अभी कांच के बाउल में ही रखे हैं ताकि ये अच्छे से बिल्कुल 1-2 घंटे में ठंडा हो जाएगा। तो फिर आप इसे किसी कांच के ही जार में रखिएगा या तो प्लास्टिक के, जो अच्छे से सूखा हो। और इसमें तेल अगर कम लगेगा तो थोड़ा सा तेल और आप गर्म करके उसी तरह से फिर ठंडा करके इसमें डाल दीजिएगा। और अचार को गीले चम्मच से मत छूइएगा, तो ये अचार आपका अच्छे से चल जाएगा। तो आज की रेसिपी, अगर हमारी ये अचार की झटपट वाली अच्छी लगी फ्रेंड्स, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बनाकर भी बताइएगा कि कैसा बना है। तो कल फिर मिलेंगे आपको इसी तरह से एक और अच्छी और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।